देखिए, आप लोग भी खाइए पोहा और चाय। फ्रेंड्स चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहिए। कल ना मैं बाजार गई थी, तो वहाँ से कुछ सब्जी और कुछ सामान लाई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं ऐसे ही ला के रख दी थी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ एक एक करके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास हल्दी मिर्च रखने के लिए डिब्बा नहीं था ना, तो मैं ये लेके आई, दो लेके आई हूँ। और एक है, तो ये देखिए, मैं दो कलर लाई हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। और ना ये चाय छन्नी है, ये भी नहीं था, तो मैं ये भी लेके आई। वो वाला ना पड़ गया था। तो और ये कटोरी मेरे को अच्छा लगा था, वो मैं एक लेके आई सब्जी खाने के लिए। और बस इतना ही लाई इसमें से, और ना बाकी सब्जी लाई हूँ। तो मैं पोहा भी लेके आई नाश्ता बनाने के लिए। और जीरा और हल्दी और ये वाला, इसको भी मिर्ची ही बोलते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है, तो ये भी था, तो ये भी लेके आई। मेरे को अच्छा लगता है, आप लोग देख सकते हो कितना ताज़ा ताज़ा है। और इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उस बाहर भूल गई थी, तो ये हरी मिर्च है। और ना ये ना गाजर है, ये देखिए गाजर लेके आई, छोटा छोटा है लेकिन। तो हरी मिर्च और गाजर है यहाँ पे। और ये है मटर, हरी हरी। तो आप लोग देख सकते हो कितना ताज़ा है। और मैं ना इसको ना चख के लाई, बहुत ही मीठा है। तो मटर और ये टमाटर, कुछ कच्चा वाला भी लाई थोड़ा सा, और कुछ पक्के में लाई हूँ। और ना ये भिंडी, उतना अच्छा सब्जी नहीं आया था इस बार, तो यही सब था, तो मैं यही सब लेके आई। और भिंडी को भी देख सकते हो आप लोग कितना ताज़ा ताज़ा है। तो भिंडी लेके आई, और ये अदरक लहसुन भी लेके आई। तो ये अदरक लहसुन है, और यहाँ पे ना आलू प्याज बचा है, तो आलू प्याज है, ये लेके आई, हम लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ना सबसे पहले ना सब्जी मन को ना रख देती हूँ, क्योंकि वो झिल्ली में है ना, और रात भर ऐसे ही था, तो ये ना ख़राब हो जाएंगे। तो पहले मैं ये सबको रख देती हूँ सही जगह पर। तो फ्रेंड्स, मैं पहले रख देती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँगी। फ्रेंड्स, वो देखिए, मैं सामान मन को एक एक करके, मतलब सब्जी को रख दी हूँ। तो अभी बनाऊंगी मैं चाय और नाश्ता। तो मैं पोहे के नाश्ते बनाऊंगी, और वहाँ पे ना थोड़ा सा मटर भी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना सबसे पहले ना मटर के बीज को निकाल लेती हूँ, और ना पोहे को भी साथ में धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ पोहा को धोने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं ना मटर भी निकाल ली हूँ, और अच्छे से धो के इसी नए कटोरी में रखी हूँ। और दो तीन हरी मिर्च और ये पोहा, और मैंने इधर ना कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और इधर चाय भी रखी हूँ। तो देख लेते हैं इधर कढ़ाई गर्म हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें तेल डाल देते हैं। और इधर ना, यहाँ पे ना अदरक डाल देते हैं,
तो फ्रेंड्स हम लोग ना दूध चाय नहीं पीते, दूध मिलेगा तो भी पियेंगे ना, तो दूध चाय नहीं पीते हैं, तो हम लोग यही लाल वाला चाय पीते हैं। और इधर देख लेते हैं, इसमें ना हरी मिर्च डाल देते हैं। और मैं ना यहाँ पे ना मिर्च और ना हल्दी रख दी हूँ, जो अभी लाई हूँ, मतलब कल लाई तो अभी दिखाई उसी में, तो रख दी हूँ मैं। और हमारा ना चाय उबल गया है, तो हम इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। और इधर ना मैं ना सबसे पहले मटर को डालूँगी, और इसको ना थोड़ी देर पकने के लिए इसमें छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मेरा शक्कर का डिब्बा ना सुबह ना गिर गया, तो ये देखिए फूट गया है, तो ये केवी लाना है, तो मैं अब डाल देती हूँ शक्कर। तो फ्रेंड्स चाय हमारा उबल रहा है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी और नमक वगैरह जो भी है। तो फ्रेंड्स हम ना इसमें डाल देते हैं हल्दी, और थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें अब डालेंगे पोहा, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ज़्यादा हल्दी नहीं लगा, मैं थोड़ा सा और हल्दी डाल देती हूँ। और चाय हमारा उबल चुका है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस, और इसको अच्छे से चम्मच चला लेते हैं। वाह हमारा हो चुका है, तो मैं गैस बंद कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को उतना तो बनाना, मतलब उतना अच्छा तो बनाना नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है, जैसा भी आता है, तो मैं बना ली हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं ना अभी चाय पीऊँगी और पोहा खाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं चाय और पोहा को निकाल ली हूँ, मैं चाय ना कटोरी में पीती हूँ, तो मैं कटोरी में निकाल ली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं ना धनिया नहीं लाई, क्योंकि धनिया ना नहीं था, तो हम लोग हर जगह देखे तो धनिया कहीं नहीं दिखा, क्योंकि मेरे को ना हर चीज़ में धनिया डालना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो नहीं था तो नहीं लाई। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पोहा खिलाती हूँ। ये देखिए आप लोग भी खाइए पोहा और चाय। फ्रेंड्स चाय पी लो। अभी ना 11:30 हो रहे हैं, तो मैं इतना टाइम तक खाना बना लेती हूँ, लेकिन ना कभी कभार क्या होता है ना कि थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। तो सोच रही हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ, वही चीज़ तो है भिंडी और मटर और वो, तो उसमें से देखूंगी कुछ भी बना लूंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ना चावल चढ़ा देती हूँ, और साथ में ही मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं ना चावल चढ़ा ली हूँ, और इधर कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और ना इधर ना मैं सब्ज़ी भी काट ली हूँ, प्याज और टमाटर, और ये इसको क्या बोलते मेरे को नहीं पता, पर मैं यही पूछती हूँ कि छोटा वाला शिमला मिर्च, तो ये और दो आलू, और ये हरी मिर्च 5 काट ली हूँ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरे यहाँ तो सेल पत्ता वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं ऐसी चम्मच के साथ थोड़ा सा कूट ली हूँ इसको। तो कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है,
और अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। तो थोड़ी देर तेल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को ना वो हल्दी मिर्च डालने के लिए थोड़ा सा वो होता है ना, तो मैं एक ही थाली में इसको रख ली हूँ। तो इधर देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो हमारा तो फ्रेंड्स, हम इसमें ना जीरा डाल देते हैं। और साथ में ये मिर्च भी डाल देते हैं। और प्याज इसको अब अच्छे से चम्मच फैला लेते हैं। थोड़ी देर ना प्याज को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज थोड़ा सा हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी वही अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको चला लेते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसी रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्याज अच्छे से हो गया है, और तो अब हम इसमें डाल देते हैं सब्जी को। अच्छे से मिला लेते हैं इसको, और इसको ना 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारा देख लेते हैं पका कि नहीं। तो पहले ना चावल को एक बार चम्मच चला लेते हैं। अभी चावल नहीं हुआ है, तो हम लोग इधर सब्जी को देखते हैं। सब्जी हमारा पक चुका है, तो अब इसमें ना थोड़ा टमाटर डाल देते हैं, और साथ में ही डाल दूंगी मिर्च मसाला। तो मिर्च तो मैं हरी मिर्च डाल ली थी, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी। और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देती हूँ। और हमारे गांव में ना ज़्यादा ना तेल मसाला नहीं खाते हैं, तो मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, इतना ही बस यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। और हम ना इसको ना थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा पक चुका था, तो मैं इसको पसा ली हूँ, और ना सब्जी भी हो गया था, तो इसको ना थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ, और थोड़ा सा रस्सा रखी हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा बना है मेरा सब्जी। उतना अच्छा तो नहीं बना है, मतलब मेरे लिए, ये देखिए। तो आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ना ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा खाना बन चुका है, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो नहीं तो मैं इतना टाइम तक रोज़ बना के खा भी लेती हूँ, और जैसे कि कहीं काम में जाना रहता है तो उधर भी जाती हूँ। तो हमारे गांव में क्या होता है ना कि थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं, और जैसे कि काम में जाना रहता है तो काम में जाते हैं, तो हम लोग जल्दी खाते हैं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये मेरा ना पिंपल निकल गया है, दो बहुत दुख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ना उतना अच्छा तो व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, पर मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।